हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की मराठी बहु असोत सुंदर भाग एक काव्यानंत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा दिया हुआ है, हिंदी का और एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन, अप्रिसिएशन, एवरीथिंग ऑलरेडी अपलोडेड है सारे के सारे। तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप चेक कर लीजिए ज़रूर। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको शो कर रही हूँ, सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे है, देख सकते हो। संपन्न यानी वैभवशाली, प्रॉस्परस महा यानी मोटा, बहुत ग्रेट, गिरी यानी पर्वत, आकांक्षा यानी तीव्र, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। मराठी साहित्य विश्वातील श्रीपाद कृष्ण कोल्टकर ये बहुत ही महान प्रतिभा मैंने प्रतिभाशाली समीक्षक हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, विनोदी लेखक हैं, आत्मचरित्रकार हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके बारे में पूरी बताई गई हैं। टफ वर्ड्स की मीनिंग देख लीजिए। अटक, तो यहाँ पे देखो दिया गया है अटक क्या है, यहाँ पे शहर है, ठीक है। आचिया पाकिस्तान आतिल, आज के जो पाकिस्तान पंजाब प्रांत के है, और सिंधु नदी के किनारे पे एक शहर था अटक करके, ओके। यहाँ पे राघोबा दादा पेशवानी आपल्या पराक्रमचार झेणा या ठिकाणी फडकावला, अटके पार झेंडे लावले, असा एक नवीन वाक्प्रचार मराठी भाषेत निर्माण झाला। तो अटक यानी यहाँ पे देखो दिया गया ऑब्स्ट्रक्शन, अटकाव, अटक यानी अटकाव। तो अटक का यहाँ पे दो मतलब निकल रहा है, अटक का एक यहाँ पे शहर है, और अटक का एक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन यानी अटकना किसी, यहाँ पे वो दिया है महाराष्ट्र धर्म। तो यहाँ पे देखो दिया गया संत रामदास स्वामी ने महाराष्ट्र धर्म को निरूपित किया है, मराठा तितका मेड़ावा महाराष्ट्र धर्म बढ़वावा, तो ऐसा उन्होंने बोला था, कि स्वदेश स्वधर्म और अपने भाषा को आदर करो, ठीक है। न्याय नीति पराक्रम पर धर्म सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें रामदास ने महाराष्ट्र का धर्म बताया था। यहाँ पे अब देखो सरल अर्थ इसका दिया गया है, बहु असोध सुंदर संपन्न की महाप्रिय मुचा एक महाराष्ट्र देशा, गगन भेद गिरिवन अनुनच जिधे उन्हें, इन सब का यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया महाराष्ट्र का परिचय देते हुए कवि यहाँ पे बोलते हैं कि नानाविध प्रकार से सुंदर, अलग अलग प्रकार के सुंदर संपन्न चीज़ों सुंदरता से संपन्नता से महाराष्ट्र हमारा प्रिय देश है। जगात खूब देश यानी जग के जो बहुत सारे देश हैं यानी अनेक प्रदेश हैं, जो अनेक राज्य हैं, ये सर्वात आमचा महाराष्ट्र सुंदर, इन सभी में हमारा जो महाराष्ट्र है सबसे सुंदर और संपन्न है, आमचा महाराष्ट्र हमारा प्रिय सा है। तो यहाँ पे उसकी तारीफ की गई है। महाराष्ट्र की भूमि का वैभव उत्तुंग आशा यानी गगन पर्यंत ऊँची, गगन की जैसा उत्तुंग आशा यानी इतनी ऊँचाई आसमान की तरह ऊँची, पर्वतरंगा मध्य आमचा महाराष्ट्र वसलेला आहे, पर्वतों के बीच में हमारा महाराष्ट्र बसा हुआ है। या भूमि तिल मानसे, इस भूमि में मनुष्य अपने मन को गगनाला गाँव सनी घरनेची आकांक्षा वनगुण आहेत, यानी जो भी उनकी आकांक्षा है, जो उनकी खुशी है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करते हुए देखते हैं। मनुष्य मराठ्यानी आपल्याना घोण्याना अटके पार नेऊन सिंधुचे पाणी पाजले आहे, यानी यहाँ पे वही बताया गया कि मराठियों का पराक्रम जो है अटके पार तक है, अटके पार यानी वही सिंधु जो हमने देखा ना अटक पार जो शहर है उसके पार तक मराठियों ने अपना पराक्रम दिखाया है। जरी मोटे मोटे जलाशय आमचा, और यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े जलाशय हैं हमारी भूमि पे, नसले तरी आमचे फार से अड़त नहीं, ओके। आमचा पुरुषार्थला अटकाव करण्याचे दुस्साह अजन कोचे शकले नहीं पराक्रमी भोजन, यहाँ पे यही पूरा बताया गया किस तरीके से हमारे अंदर पराक्रम है और ये पराक्रमी पुरुषों की भूमि है और मैं बहुत प्रिय है, आप इसे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे टफ वर्ड्स यहाँ पे उसका पूरा मीनिंग दिया हुआ है, पूरा भावार्थ दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो दिया गया है कि किस तरह से महाराष्ट्र के जो शूर हैं, जो धाड़सी यानी जो बहादुर लोग हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से उनके बारे में बताया गया है।
महाराष्ट्र की भूमि की विशेष बताई गई है यहाँ पे। महाराष्ट्र की जो भूमि है विक्रम व वैराग्य एक जगह पे है, यानी वीर पुरुष थे, एक संत महात्मा की भूमि है। मराठाचा पेशवा यानी मराठी के जो पेशवा थे, पर उनकी तो जो पराक्रम था, जो भगवा ध्वज था, आज भी मतलब कि फहरा रहा है। धर्म और राजकारण ये है एकस्मवेत इथे चलताना दिस्तात, यानी कि सभी सर्वधर्म सहिष्णुता का है, यानी सभी धर्म एक समान है। शक्ति यानी बल, ताकत व युक्ति यानी कौशल ने कार्य साधनारा पूर्ण करनारा मराठी मानसाची आश्चर्यचकित करनारी कीर्ति सर्वत प्रसिद्ध है, यानी कि जो मराठी मानुष हैं उन्होंने हर सबको आश्चर्य किया है और सब जगह अपनी कीर्ति फैलाई है। महाराष्ट्र धर्माची मती, महाराष्ट्र के धर्म का महत्व यहाँ पे दिया गया है। क्या है महाराष्ट्र के धर्म का मतलब, तो यहाँ पे देखो दिया गया है ये इसका इस ये जो दे आपको ये पैराग्राफ दिए गए ना, इन सब का मीनिंग रहता है नीचे, ये सब जितना हमने देखा। मराठाचे हे गौरवशाली गीत प्रत्येकाने, ये जो गौरवशाली गीत है प्रत्येकाने ऐकावे, सबको याद, सबको पता है, सबने सुना है। नेहमी गुनगुनावे या गीता तुम स्फूर्ति, इसमें किस तरीके से लोगों के गुण और पराक्रम के बारे में, स्फूर्ति यानी पराक्रम के बारे में इसमें गाने में है। तेजस्वी इतिहास, हमारा जो तेजस्वी इतिहास है उसकी याद दिलाता है, संकट को कैसे सामना करना है, किस तरीके से धैर्य रखना है और अंतकरणा सदैव ठेवावे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमारी जो मराठी भाषा है एक विकासी बोलावे, मराठी तुनच लेखन करावे, मराठी में लिखो, मराठी भाषा का उपयोग करो, मराठी भाषा पे हमें क्या है अभिमान है ऐसा बोला गया है। महाराष्ट्र धर्माचे मर्म जानावे महाराष्ट्र साठी, तो यहाँ पे पूरा आप देखोगे तो महाराष्ट्र के लिए बारे में अच्छा अच्छी अच्छी बातें, उसका महत्व, तो उसकी भाषा का, उसकी भूमि का, उसके लोगों का पूरा यहाँ पे तारीफ लिखी गई है। तो यहाँ पे यही पूरा है, हिंदी का भी अपलोडेड है एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से, इंग्लिश का अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन है, राइटिंग स्किल है और उसका पूरा आपको अप्रिसिएशन वगैरह भी अलग से मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, कमेंट में बताइए। ओके सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जिन स्टूडेंट्स की मराठी अगर उतनी अच्छी नहीं हो, सो यहाँ के जो टफ वर्ड्स की मीनिंग है ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, अगर लेसन आपको समझने में, चैप्टर समझने में और फिर उसके क्वेश्चन आंसर समझने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो ये आप लर्न कीजिए और यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है तो आप इसको अच्छे से देख लो, और भी है वो भी हम देख लेते हैं जो, और पैराग्राफ वाइज तो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ टिप्पा आपको दिए गए थे तो ये तो भी तो मैंने आपको बताया, और बाकी हर एक कविता का, हर एक पैराग्राफ का, कविता के हर एक पैराग्राफ का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है, तो ये आपके लिए यहाँ पे समझ लीजिए।